all this karyakram every day. Chalo unko chips khane. You know, clearly there are some days that you don't want to go to work. वो सब वो पर्टिकुलर दिन आज है, एकदम भी मन नहीं हो रहा है काम पे जाने का. एंड एज यू कैन सी प्लेइंग विद दिस इन द मॉर्निंग. क्या था आज सुबह से? अब पहुंचे हैं ऑफिस काम लगने के लिए. चलो काम पे लगा जाए अब. व्हाट्स अप गाइस, ये क्या कर लिया तुम अपना चेहरा के साथ? कभी कभी फ्रेश लगना अच्छा होता है. फ्रेश लगना अच्छा होता है. अब आ गए हैं, लग जाते धंधे. क्या हाल है शुकांत? दो तो ऑफिस में नया फूड सेक्शन चालू हुआ है जिसमें लकीली आई एम गेटिंग बॉइल्ड एग्स. सो माय जिम ट्रेनर हैज टोल्ड मी दैट आई नीड टू ईट एटलीस्ट 8 बॉइल्ड एग्स इन अ डे टू गेट द रिक्वायर्ड इनटेक ऑफ प्रोटीन. And also try non-vegetarian. So I'm not into non-vegetarian, but I'm okay with eggs. So it's good that I get some eggs in here as well, and at the gym as well. So yeah. अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने लिए लेने Red Bull, because अभी मैं focus नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम पे. Okay. Interestingly, I found someone. Thanks for the chips. Like I said, I was on my way to get myself some Red Bull, and there was some distraction in the between. Plans for taking a Red Bull is cancelled because now I'm going. You can get me one. I'm going back up. I finally got the content for today's vlog. This girl right here consumed 117 GB. Just a second. 117 GB of data in a month. How is that possible? Shraddha Kothari, can you tell us? Because there's a CCTV app that consumes a lot of data and I will open all three electronics. That's a very sad answer, but इसके पहले ही she was saying that she downloaded a lot of movies. अभी मैं जा रहा हूँ अपने favorite place में ताकि मैं जाके थोड़ा content create कर सकूँ. I want to share something. On a particular topic, मैं एक टॉपिक में बात करना चाहता हूँ. Let there be light. And there was light. मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट स्पॉट ऑफ द ऑफिस में जहाँ मैं मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ. सो एक कैरेक्टर भी बिल्ड हो जाता है इस एरिया का, क्योंकि लास्ट दो व्लॉग से मैं यहाँ आ रहा हूँ, अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ. तो धीरे धीरे जैसे आप व्लॉग्स देखते रहोगे, इस एरिया का एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम मेरे को ये नहीं बोलना होगा कि मैं ऑफिस के टेरेस पे हूँ. नेक्स्ट टाइम से मैं जब इस एरिया में होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं ऑलरेडी ऑफिस के टेरेस से ब्लॉक कर रहा हूँ. सो द पॉइंट, काफ़ी हालत है, पता नहीं स्टैमिना को क्या हो गया अचानक से. एनी वे, ओके, सो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ऑल दिस वाइल फॉर द पास्ट 1.5 years I have been creating content in English, mostly English, little bit of Hindi. पर अब most of my content, सबसे ज़्यादा content मैं create करना चाहूँगा purely Hindi में, because of the reason that Hindi में audience बहुत grow हो गया है from the past 2 to 3 years, especially Jio के आने पर. और the number of hits Indian YouTubers creating in Hindi में मिल रहा है, वो क्रिएटर्स इन इंग्लिश में को नहीं मिल रहा है. तो अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे मोस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी क्रिएटेड इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश. मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, मैं कॉन्वर्सेशन में भी इंग्लिश में ज़्यादा बात करता हूँ. और द रीज़न इज़ दैट
आई वॉज स्पीकिंग टू समवन एट यूट्यूब, यूट्यूब में मैं किसी से बात कर रहा था और वो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप सेम कंटेंट क्रिएट करते हो इंग्लिश में और वही कंटेंट आप हिंदी में क्रिएट करते हो तो आपको 5 times मोर व्यूज़ मिलते हैं, 5 times ज़्यादा लोग आपको देखते हैं। और इसका लॉजिक काफ़ी सिंपल है, लास्ट 2-3 years में इंडिया में देर हैज़ बीन अ बूम विथ रिलेशन टू द डेटा अवेलेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल एंड द रेस्ट। तो इतना डेटा बूम हो गया है तो सबके पास यूट्यूब आ गया है, स्पेशली फर्स्ट टाइम यूज़र्स बहुत सारे हैं, सबके पास सेलफोन आ गया है, सबके पास उसमें डेटा है, एंड टू वाइल अवे द टाइम पीपल और टू लर्न समथिंग न्यू, लोग अब यूट्यूब फॉर्मेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पे आके उसमें लर्न कर रहे हैं या एंटरटेन हो रहे हैं। और तभी आप देखोगे कि इंडियन क्रिएटर्स जिनके हिंदी में चैनल है दे आर डूइंग रियली वेल, ऑफकोर्स देयर कॉन्टेंट इज़ ग्रेट बट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेटली एंड फैंटास्टिक, बट दोज इन इंग्लिश हैव अ मोर डिफिकल्ट टाइम क्रिएटिंग। सो मेरा द लैंग्वेज दैट आई चूज टू व्लॉग इन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिस विल बी वेरी वेरी कॉन्वर्सेशनल हिंदी, स्पेशली जिस लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते हैं उस लैंग्वेज में मैं बात करने का ट्राई करूँगा। इंटरेस्टिंगली आज सुबह ही मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि मुझे अपनी हिंदी इम्प्रूव करनी है, सो अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ आपसे तो आप मेरे को टोकना, बोलना कि इंग्लिश में मत बात करो, क्योंकि मेरा हैबिट है कि मैं सोचता भी इंग्लिश में हूँ, मैं कंडीशन हो गया हूँ इंग्लिश में बात करने में, पर हिंदी में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो अपने हिंदी के को स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए मम्मी को आज मैंने सुबह कहा कि अगर ऐसा कुछ होए कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आप ज़रूर टोकना। राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू अ मीटिंग, फिर से मैं अंग्रेज़ी में बात करने लग गया ब्लॉग में तो लगता है हिंदी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज कॉन्वर्सेशनली मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करता हूँ, पर हाँ धीरे धीरे आई विल डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इम्प्रूव कर जाऊँगा। जस्ट रीच होम, आई गेट रेडी एंड गो टू द जिम राइट नाउ। सो द पॉइंट इज कि आई कीप फॉरगेटिंग कि मेरे को शूट करना है फॉर द व्लॉग, और अभी मैं नीचे चला गया एंड देन आई फॉरगॉट कि अरे GoPro तो मैं लाया ही नहीं, तो मेरे को आदत नहीं हुआ है टू एक्चुअली that I have to vlog a particular segment of the day or have to make it a part of the story itself. So slowly I'm getting into the groove, but definitely it's a lot of fun because at that point of time the thought that comes in my mind, that's gold for me, and later on when I watch it, let's say a year down the line, when I watch it, there's a lot of learning that I'll leave for myself as well, and I know I will get to know exactly ki mera us samay kya thought process tha, and that will make the journey worth it. So yes, that's what I wanted to share. Abhi gym chalte hain, just getting out of the gym. Socha tha aaj thoda chill hoga session at the gym, but it was clearly not. I want a very very intense workout session, and the good news is I feel great after it. Chabi nahi mil raha hai. Exactly. क्योंकि हम इतना दिन बाद आ रहे हैं, आई जस्ट कॉट ऑफ माई सर्दी, सो सर विल बी डूइंग समथिंग, आज तो चिल सेशन होगा, बट सर क्लियरली वॉज नॉट इन द मूड टू फॉरगिव मी ऑन मिसिंग माई क्लासेस, सो इट वॉज क्वाइट इंटेंस, काफ़ी इंटेंस सेशन था, बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, फीलिंग लाइक फुल्ली रिफ्रेश्ड, फीलिंग वेरी वेरी लाइट एट द मोमेंट, और यही तो बेनिफिट है यार जिम करने का, दैट you just feel so good after it, and you feel that you're back on track. Amazing day, amazing gym session, it was a lot of fun. We'll go out for a party tonight, and tomorrow's a Saturday, so I've got a lot of work to be completed, a couple of meetings to be done, so it's all in all good day, good productive day, good end to the weekend, and good beginning to the weekend as well. Cheers guys. It's 9:40 right now and I'm like prepping up for my episode of detox today. We've got like an entrepreneur tonight on detox, he's Ayushman Sinha. I'll show you some of the back end thing, how I actually go about the process. I usually keep my phone like this, just a second. I usually keep my phone like this when I'm on detox, and so that I have this as a reference point of view for the live, and here is the live session that goes on. So that's my process of detox, where I call young entrepreneurs, influencers,
youth icons, people doing some fantastic work in their respective fields, have some kind of fun, candid conversation, value-adding conversation with them for the audience so that they can get an insight into the kind of work that these guys are doing. So that's my plan with Detox, and I plan to call a lot more different kinds of people, from entrepreneurs to artists and a lot of other people as well, so that they can also get a platform to connect with you guys. So that's the plan with Detox, and I think I should complete my preparation.